नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए अब शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजधानी भोपाल से सटे पैरसिया के ईदगाह के सामने मैदान में मिली संदिग्ध हालत में युवक की लाश, परिजनों ने पीएम के लिए हाथ ठेले पर रखकर पहुंचाया हॉस्पिटल। ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर वाहन चोर गैंग को किया गिरफ्तार, भिंड मुरैना और ग्वालियर से करते थे वाहनों की चोरी। और जबलपुर में सरकारी पदों पर भर्ती में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, पंचायत सीईओ हर्षिता सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल दिए जांच के आदेश। जिला परिषद के आगामी ढाई वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस के रमेश डोंगरे अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विवेकानंद कुरझेकर उपाध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था। 52 सदस्यीय भंडारा जिला परिषद में कांग्रेस के 19, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 15, भाजपा के 15, शिवसेना 1 और 4 निर्दलियों का समावेश है। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रमेश डोंगरे को 38 और भाजपा के नेपाल रंगारी को 12 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विवेकानंद कुरझेकर को 38 और भाजपा की नीलिमा इल्मे को 12 वोट मिले। वहीं अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित होने से कांग्रेस के डोंगरे अध्यक्ष चुने गए। लाने का कोशिश करूंगा। जिला परिषद में काम करने के लिए जो लोग आएंगे बाहर के, उनके लिए एक सेपरेट आदमी बिठा के उनका काम कैसा होगा, इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा। रमेश जी एक विचार सांगायचा, विचारायचं होतं की काँग्रेस मध्ये जी दुकडी निर्माण झालेली आहे त्याविषयी काय सांगाल? त्याबद्दल मी काय बोलू शकतो? आदरणीय प्रफुल्ल पटेल यांचा आहे, सर्व जिल्हा परिषद मेंबरांचा, सर्व काँग्रेस आणि राठा पक्षांचा सर्वांचा विजय आहे। आम्ही जिल्हा परिषदमध्ये पहिल्यांदा शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करीन। शिस्त हे महत्वाची आहे जिल्हा परिषदमध्ये, आणि वेळेवर कर्मचारी येणं, वेळेवर कर्मचारी जाणं हा माझा पहिला कार्यक्रम राहील। मी स्वतः हॉलमध्ये वरांड्यामध्ये एक माणूस बसवून तो माणूस बाहेरील येणाऱ्या लोकांना मदत करेल, त्या अधिकाऱ्याकडे नेऊन त्यांना कामाविषयी मदत करेल। रापी लगाकर ट्रक को लूटने वाला एक लुटेरा गोराघाट पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने घटना में लूटा गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त डंडा भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया। गोराघाट और बड़ौनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ौनी पेट्रोल पंप के पास से सुखदेव पुत्र पप्पू दास कंजर निवासी इंदरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 3 अन्य लुटेरों की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बड़ौनी SDOP किशन बाबू उपाध्याय, SDOP RC भोज और गोराघाट थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्त लुटेरे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। SDOP किशन बाबू उपाध्याय ने बताया कि उक्त घटना को ट्रेस करने में बड़ौनी थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह गुर्जर और गोराघाट थाना प्रभारी संतोष शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। 17/11/17 को ट्रक क्रमांक MPHA 683 के ड्राइवर द्वारा थाना गोराघाट में रिपोर्ट की थी कि उपराय की पुलिया के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने उसके ट्रक को रोककर उसके साथ मारपीट की और उसका एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल और 9,000 रुपये उससे लूट लिए। उस पर थाना गोराघाट में अपराध क्रमांक की 141/17 धारा 394/11/13 MPT का पंजीबद्ध करके विवेचना की गई। थाना गोराघाट द्वारा विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी साहब को मुख्य से सूचना प्राप्त हुई थी कि लूट में सुखदेव कंजर इंद्रगढ़ का हाथ है। इस पर उसको थाना गोराघाट एवं बड़ौनी SO शैलेन्द्र
गुर्जर द्वारा उठा के पूछताछ की गई, उसके कब्जे से लूट में छीना गया मोबाइल। ग्वालियर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग को लाखों के वाहन और मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया है, जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर से वाहनों की चोरी करते थे। महाराजपुरा थाना प्रभारी अनिता मिश्रा को करीब रात 10 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मोटरसाइकिलें चोरी करने और अन्य वारदात करने के इरादे से घूम रहे हैं। जानकारी मिलते ही रात में ही अनिता मिश्रा ने अपनी टीम गठित करके दबिश दी, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों पर विधि संगत कार्यवाही की गई है। 5 सदस्य शातिर बाइक चोर का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 4 आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में हैं, 1 आरोपी फरार है। इनसे पूछताछ में लगभग 15 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया गया है और अभी इनसे 8 मोटरसाइकिल चोरी के बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में इनके द्वारा जो बताया गया उसमें यह इम्पोर्टेंट है कि ये अंतर जिला गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। इनके द्वारा 3 गाड़ी जो भी दस्तयाब हुई है वो ग्वालियर जिले से जब्त किया गया, ग्वालियर जिले से चोरी किया गया है, 1 हजीरा से, 1 गोले का मंदिर से और 1 महाराजपुरा से। इसी प्रकार 2 वाहन मुरैना से इन्होंने लिफ्ट किया है और 3 वाहन भिंड से लिफ्ट किया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है और संभावना है कि और बाइक्स इनसे हम रिकवर कर पाएंगे। आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, पुलिस ने पकड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी 7 तारीख को चोरी हुई थी। तुरंत मैंने डायल 100 को फोन किया, डायल 100 वाले मेरे पास आए, उनने सारी जगह पे अनाउंस कर दिया कि गाड़ी इनकी इस नंबर से चोरी है, ट्रेस कराने के लिए। फिर मैं सुबह थाने गया, थाने में मैंने रिपोर्ट कराई, FIR कराई 7 तारीख को जाके। लेकिन 7 तारीख को FIR कराने के बाद पापाज का मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया हम कोशिश करते हैं, लेकिन मुझको 8 दिन बाद पता चला मेरी बाइक बरामद हो गई। मेरे सूचना ही थाने से, मैं गया, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरी गाड़ी मिल जाएगी। सब लोग मना कर रहे थे कि गाड़ी मिलेगी नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं दीनदयाल नगर में BM 508 में रहता हूँ। प्लेटिना थी बजाज की। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के लिए ये कहना चाहूंगा, मैंने जाके थाने में मैंने इन लोगों को जाके पैसे भी दिए, 5,000 रुपए के लिए बोला, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम पैसे नहीं चाहिए। पूरी आपकी मेहनत कमाई है, आप बुजुर्ग आदमी हो, पैसे लेने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हो गया, भूमि विकास बैंक में ब्रांच मैनेजर था। 2013 में रिटायर्ड हो गया, 5 साल से रिटायर। सरकारी पदों में भर्ती होने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी उमेश कुमार ने पंचायत CEO को इसकी सूचना दी। जबलपुर के जिला पंचायत कार्यालय में पहुंचे उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी नियुक्ति 2012 में पाटन ग्राम में सहायक सचिव के पद पर हुई थी, लेकिन आवेदक सुनील यादव ने मेघालय की एक फर्जी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लगाकर उसकी नौकरी हथिया ली थी, जिस पर आवेदक उमेश ने पंचायत CEO के समक्ष यूनिवर्सिटी के फर्जी होने के साक्ष्य और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। उमेश का कहना है कि सुनील यादव ने गलत ढंग से फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी प्राप्त की है, जिसे तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए और उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया जाए। इस पूरे मसले पर पंचायत CEO हर्षिका सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। आज आप किस लिए यहां आए हैं? जी, ये सहायक सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण है, उस संबंध में आया हूं। क्या मामला है ये बताएं? जी, मामला ये है कि मैं नियुक्त हुआ था रोजगार सहायक के पद पर 2012 में, और उसके बाद मेरी नियुक्ति पर ऑब्जेक्शन लिया सुनील कुमार यादव ने, जिन्होंने CMG यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लगाया है जो फर्जी है। आप कितने दिन तक नियुक्ति पर रहे? करीब 20 से 25 दिन। उसके बाद क्या हुआ? उसने ऑब्जेक्शन लिया कि जो डिप्लोमा मैंने लगाया वो ठीक है, ओरिजिनल है। फिर आज क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो फर्जी डिप्लोमा के उसके अंक काट दिए जाएं और मुझे दोबारा नियुक्त किया जाए। अपना नाम बताएं। उमेश पटेल जी, मेरा कहना यह है कि मैं अपने पक्षकार उमेश कुमार पटेल की तरफ से पैरवी करने आया हूं। प्रकरण यह है कि वर्ष 2012 में सहायक सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत थाना में निकली गई थी, जिसमें मेरे पक्षकार उमेश कुमार ने अप्लाई किया था और अनावेदक सुनील कुमार यादव ने भी अप्लाई किया था, किंतु सुनील कुमार यादव द्वारा जो कंप्यूटर डिप्लोमा CMG यूनिवर्सिटी मेघालय का पेश किया गया था, मेरे पक्षकार ने बताया हुआ फर्जी है, उसका प्रमाण भी इसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकलवाया है वो पेश किया है और अन्य भी सूचनाएं नेट से निकलवा के पेश की हैं,
और भी कलेक्टर कहाँ भी शिकायत की है, जनपद पंचायत पाटन में भी शिकायत की है और यहाँ सीईओ मैडम हर्षिका सिंह के यहाँ भी शिकायत की है, किंतु उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही और करीब 1.5-2 महीने से उसकी शिकायत पेंडिंग रखी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा पक्षकार चाह रहा है कि इस पे आज ही सुनवाई करके और उचित निर्णय पारित किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए तथा उसके खिलाफ में दंडित कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपका नाम? हमारा नाम डीके पटेल, एडवोकेट उच्च न्यायालय जबलपुर। ठीक, कितने केस ऐसे सामने आए हैं, यदि भविष्य में ऐसे कोई केसेस सामने आते तो उनके लिए क्या कोई खास कमेटी? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर केस हमारे संज्ञान में आया क्योंकि उसमें भी कई सारे टेक्निकल बातें हैं जो कि उस वक्त वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं वो आपके मतलब जैसा उनका दावा था कि वो यूजीसी रिकग्नाइज था, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो भी डी रिकग्नाइज किया है। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए हम ये भी इसी केस के साथ में हमें ये भी एक फॉलोअप करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे जिले भर में अगर कोई ऐसा और भी केस है उसके लिए भी हम अपने सारे सीओ जनपद को एक डिटेल्ड आदेश निकालेंगे इस कमेटी के फॉलोअप के तर्ज पे, और कहीं भी ऐसा कोई मुद्दा होगा तो जो हमको डिसीजन लेना वो बिल्कुल लेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से लेकर 14 तक जो मेघालय में जो यूनिवर्सिटी है सीएमजे उसके सारे एप्लीकेंट को अनलीगल साबित कर दिया है और 2012 में उसी मार्कशीट की दम पे नियुक्ति हुई है, तो क्या इसका कुछ विशेष पड़ेगा? इसमें जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि कमेटी में हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, तो उस समय जब ये नियुक्ति हुई थी उस समय के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन यूजीसी की साइट पे क्या दिख रहा था, क्या इवन यूनिवर्सिटी के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग बता रहे हैं कि उस समय उन्होंने नियमानुसार किया था, जो भी चीज है बिना कमेटी में उसको देखे हुए मैं उसमें कुछ भी अपना टिप देना उचित नहीं समझूंगा। बेरसिया में आज एक बेहद संवेदनहीनता का मामला सामने आया है जब एक शव को लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए हाथ ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल पर्वत मेहर पिता अमर सिंह की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। लाश की सूचना नगर में आग की तरह फैल गई जिससे वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया, जिसकी सूचना पुलिस को लोगों ने दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें दो अलग अलग मामलों में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला मामला भोले भाले लोगों से एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला सहित इस मामले में 2 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस ठग गिरोह के द्वारा 7 एटीएम से लगभग 7,57,000 रूपए की ठगी की गई थी। वहीं दूसरे मामले अवैध हीरो की तस्करी से जुड़ा हुआ है जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से तकरीबन 4,50,000 के 70 नग हीरे छोटे बड़े जब्त किए हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले ये आरोपी भोले भाले लोगों के एटीएम को बदलकर उनके खाते से अन्य खातों में पैसा ट्रांसफर कर लोगों से ठगी किया करते थे और पन्ना सहित अन्य जिलों में भी ये आरोपी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत आवेदक रामायण प्रसाद के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि मेरा सहयोग करने के बहाने एक अपरिचित व्यक्ति द्वारा एटीएम बदलकर 35,000 रूपए निकाल लिए गए थे, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की जांच हेतु थाना प्रभारी को आदेशित किया गया और साइबर सेल की मदद ली गई और जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसकी जानकारी प्राप्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। नहीं, हम लोगों को भी सफाई करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर सफाई दूंगी। ये व्यक्ति ना जाने क्या है हम लोगों का नाम दे रहा है। 4 महीने से इस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट हम लोगों का नहीं हुआ सर। ये कंटिन्यू इसका एक माध्यम था नीरज अहिरवार, उससे माध्यम से मैं इससे मिली थी ट्रेनिंग। जिस चीज के हम लोग लेते हैं वो हम लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा, आइए खुद देखिए ना हम लोग काहे की ट्रेनिंग देते। ये ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते सर। जी जी, हम लोग ये ट्रेनिंग नहीं देते हैं ना, हम लोगों ने 1 रुपया इसका लिया। कार्ड से जो फ्रॉड करते हैं, एटीएम कार्ड एटीएम में जाके किसी को मदद करने के बहाने पे एटीएम कार्ड बदलवा के उसका पिन हासिल करके जो ठगी करते हैं, एक गिरोह पकड़ा गया है जिसमें एक राजेश अहिरवार है चित्रकूट का रहने वाला, एक विनोद पटेल और एक कमला मिश्रा महिला है, ये दोनों सतना जिले के रहने वाले हैं। तो इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, तो जिनसे ये खुलासा हुआ है कि करीब 7 मामले, एक जो है पन्ना जिले के हैं और 6 मामले सतना जिले के हैं, कि खुलासा हुआ है लगभग 7.5
लाख रुपए लोगों ने इन लोगों ने टकी करी है, तो उसमें पूरे गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। महिला जो है कपिला मिश्रा, वो ट्रेनिंग देते थे लड़कों को भी कैसे ऐसे वारदात को कैसे अंजाम देना है। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।